नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। मुख्तार अंसारी के साथ साथ उसके परिवार के बिन दिन खराब चल रहे हैं। जहां उसके बहु बेटे दोनों जेल में बंद हैं, वहीं कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि अंसारी जमानत का हकदार नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चित्रकूट जिले के कारागार में निरुद्ध रहने के दौरान मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से सुभाषपा के विधायक और बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गैर कानूनी ढंग से पत्नी निखत बानो से मुलाकात के मामले में एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। चित्रकूट की जेल में बंद रहने के दौरान बिना पर्ची के अपनी पत्नी निखत बानो से मुलाकात करने, जेल के अंदर से गवाहों को धमकाने और उनकी हत्या करने की योजना बनाने के आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण की प्रभारी विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने खारिज कर दिया। आदेश पारित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अपराध गंभीर है और अंसारी इस समय जमानत के हकदार नहीं है। वहीं मामले में प्राथमिकी 11 फरवरी 2023 को उप निरीक्षक श्यामदेव सिंह ने चित्रकूट के करवी थाने में दर्ज कराई थी। अदालत ने मामले के अन्य सह आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। अभियोजन पक्ष द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि अंसारी जेल में अपनी पत्नी से अवैध तरीके से मिलता था और गवाहों को धमकाता था और संबंधित अदालतों में मुकदमे के दौरान उनका समर्थन नहीं करने पर उन्हें मारने की साजिश करता था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक उसकी पत्नी निखत बानो को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वो अंसारी से मिलने आई थी और तलाशी के दौरान उसके पास से 2 मोबाइल फोन, 20,000 रुपए नगद और 12 रियल बरामद किए गए थे। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी इस समय कासगंज की कारागार में बंद है। बता दें कि अब्बास अंसारी और निखत की मुलाकात के मामले में जेल अधीक्षक और जेलर समेत कुल 8 व्यक्तियां जेल में जा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि मुलाकात के पीछे मोटी रकम और महंगे उपहार का लालच ही सबसे बड़ा कारण रहा। मुख्तार अंसारी के दिन तो जेल में खराब बीत ही रहे हैं, वहीं अब उसके बेटे की भी याचिका खारिज कर दी गई है। साथ ही मुख्तार की बहू भी जेल की हवा खा रही है, जिससे ये तो साफ हो गया है कि यूपी में कानून से खेलने वाले माफियाओं की शामत आ गई है। आलम यह है कि माफिया जेल में डर के मारे कांप रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।